यार पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तानी कौम को पैगाम देना है। आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, आज हजरत कायद आजम की विलादत का दिन है, आज मेरे कायद भी हैं, मेरे वालिद भी हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की विलादत का दिन है। और आज चौथी जो वजह है जो ये दिन आज अहमियत का हामिल है, और मैं ये समझता हूं कि यहां पर ये कारकुन खड़े हैं, ये पाकिस्तानी हैं, और बबांगे दोहल मैंने हमेशा कहा है कि मुझे अपना तारुफ कराने के लिए MNA MPA कायदे हिज्ब इख्तलाफ की जरूरत नहीं है। मैं आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूं और मेरे कारकुनों आपके मेरी कारकुनों आपका जज्बा सर आंखों पर, और बतौरे कारकुन मैंने हमेशा जमात में कहा है कि कारकुन हर सियासी जमात की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं। कारकुन वक्त नहीं देखते, हकूमत नहीं देखते, हमेशा अपने खलूस अपनी मोहब्बत जमात पर निछावर करते हैं। तो कारकुनों मैं आपकी अजमत को आपकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूं। मेरी बात सुनो, अब हम आपस में एक मिनट अब हम आपस में एक मिसाक करेंगे कि जब तक मैं गुफ्तगू करूंगा आपने नारा नहीं लगाना। क्या क्या कहा मैंने आपको? हाँ, आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे। तो चौथी वजह जो आज का दिन अहमियत का हामिल है कि शायद कई 25 दिसंबर पाकिस्तान की 73 साल तारीख में आए होंगे, कई क्रिसमस के केक हमने काटे होंगे, कई सालगिरह नवाज शरीफ साहब की आई होंगी, लेकिन आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं मैं पूछता हूं, शामी साहब से सीखने को मिलता है, मैं बुजुर्गों से पूछता हूं, क्या मैं पाकिस्तान के वक्त से जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछता हूं, कभी आपने ऐसा दौर देखा जो आज का दौर है? कल मैंने क्रिसमस का केक काटा और मैंने कहा कई क्रिसमस आई होंगी, लेकिन आज हमारे मसीह भाइयों के पास अपने बच्चों को नए कपड़े सिलाने के पैसे नहीं है, आज घरों में भूख है। ये बिलाल साहब बैठे हैं, इन्होंने बेटी खो दी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। आज कई बच्चे रात को जब रोते हैं तो माँ बाप, आप भी माँ बाप हैं, आपके भी बच्चे हैं, कलेजे को हाथ पड़ता है, लेकिन आज ऐसे घर हैं जहां पर माँ बाप झूठी तसलियां देते हैं बच्चों को, भूखे बच्चों को, कि सो जाओ सुबह अब्बू आपको नाश्ता लाके देंगे, लेकिन आज घरों में फाके हैं। आज ऐसी माएं हैं जो अस्पतालों में करा रही हैं लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं है। आज नया पाकिस्तान बनाने वालों ने इस कौम को कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, आज लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, घरों में बैठे हैं, 50 लाख घराने थे, आज लोग अपने घर बेचकर अपने प्यारों की मुस्तकबिल के लिए, उनकी तालीम का, उनके इलाज का,
बंदोबस्त करते हैं, बिजली के बिल आते हैं तो घरों में कहर ढाते हैं, बिजली के बिल देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं, घर की चीजें बेचकर हम साये सौ कर्जे लेकर बिजली का बिल देते हैं। तो ये वो कायद का पाकिस्तान है जिसको खुदा के फजल व करम से अल्लाह ने एटमी कुवत बनाया। इसका सेहरा जुल्फिकार भुट्टो के सर भी है, शहीद के, उसका सेहरा डॉक्टर कदीर खान साहब के सर पे भी है, और अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ साहब को ये मौका दिया कि इस मुल्क का दिफा जो है वो नाकाबिले तस्खीर बनाए। और उस वक्त आज वो 200 अरब डॉलर जो जिन्होंने लाना था, कौम से झूठा वादा किया था, वो तो नहीं आया। उस वक्त भी नवाज शरीफ को कहा गया था कि आपको अरबों डॉलर देंगे, आप धमाके ना करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ इस कौम का बेटा है, हिंदुस्तान ने 5 धमाके कर पाकिस्तान को ललकारा है, हिंदुस्तान 5 धमाके करेगा तो पाकिस्तान 6 धमाके करके उसका जवाब देगा। मैंने भी आपको कहा यासिर साहब, तो ये कायदे आजम का पाकिस्तान है जिसके हालात मैंने आपके सामने बयान किए हैं। और स्टैनले वॉलपोट जिसने कायदे आजम साहब की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में क्या कहा, सुने, मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं। स्टैनले वॉलपोट ने कहा कि दुनिया में ऐसे कम लोग हैं, दुनिया में ऐसे कम लोग हैं जो तारीख का धारा बदलते हैं। उसने दूसरी बात कही कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दुनिया के नक्शे में नुमाया तब्दीली लेके आते हैं। तीसरी बात उसने की कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं, शायद शादो नाजर हैं, जिन्होंने कौमी रियासत बनाई, लेकिन हजरत कायद आजम वो वाइज शख्स हैं जिन्होंने ये 3 क्वालिटीज थी और उन्होंने पाकिस्तानी कौम को ये अनमोल तोहफा ममलत के खुदा दाद पाकिस्तान का पाकिस्तानी कौम को दिया। आज जिस शख्स ने हमें ये तोहफा दिया, क्या आज हम अपने दिल पे हाथ रखकर ये बता सकते हैं कि हमने कायदे आजम के फरमूदात पर अमल किया? आज मसीह भाइयों का दिन है तो मैं कैसे भूल जाऊं सीसल चौधरी को, मैं कैसे भूल जाऊं जस्टिस कॉर्नेलियस को, मैं कैसे भूल जाऊं जिन्होंने इस मुल्क को, दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए जंग लड़ी और पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। जस्टिस कर्नेलियस के फैसले सुनहरी हरूफ में आज भी याद किए जाते हैं। तो मसीह भाई, ये मसीह भाई नहीं, ये पाकिस्तानी हैं, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ के लिए कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तानी कौम भी अपनी मसीह भाइयों से उतनी मोहब्बत करती है खुदा के फजल व करम से। और आज मैंने कहा आपको कि नवाज शरीफ साहब मेरे वालिद भी हैं, मेरे कायद भी हैं, सियासत तो सीखी उनसे और अपने वालिद से, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को कि यहां पर नवाज शरीफ एक कामयाब सियासतदान है, मेरा कायद है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है और मैंने उनसे सीखा कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत कैसे करते हैं। मैंने उनसे सीखा कि अच्छे अखलाक क्या होते हैं, और अच्छे अखलाक से मुझे याद आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने 3 मर्तबा सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्यामत वाले दिन
अल्लाह ताला के गुस्से को कौन सा ऐसा अमल है जो ठंडा करेगा। उसने तीन मर्तबा अल्लाह के नबी से एक सवाल किया और अल्लाह के नबी ने कहा कि अच्छे अखलाक। तो आज पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन्स पर रात को जब प्राइम टाइम शुरू होता है तो अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, एक दूसरे को गालियों से नवाजा जाता है। और ये दौर हम भूल चुके थे, मिसाके मईशत के बाद एक नया मैच्योरिटी का दौर पाकिस्तान में लौटा था। एक दूसरे को सियासी हरीफ होने के बावजूद इज्जत से पुकारा जाता था, इज्जत से बात की जाती थी। लेकिन ये पिछले 3.5 सालों में अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया है। और आज मैं अपनी वजह से नहीं, यहां बैठे हैं साद रफीक साहब, बैठे हैं एहसन इकबाल साहब, बैठे थे इधर नीचे, हाफिज नुमान बैठा है, सलमान रफीक है, शाहिद खाकान अब्बासी है, एहसन इकबाल है, कामरान माइकल है, हनीफ अब्बासी है, किस किस का नाम लूं मैं, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, सबको जेलों में डाला। मुझे आज मेरी बात सुने आप, अगर आप नारे लगाएंगे मैं बात नहीं करूंगा। प्लीज, आज मैं आपसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आज जेलों का गुस्सा निकालने नहीं आया, आज मेरे दिल में इमरान नियाजी साहब के लिए कोई नफरत नहीं है। हां, आज गुस्सा जरूर है कि इमरान नियाजी, ये कौम, ये पाकिस्तानी कौम को जो आपने झूठे सख्त बात दिखाए थे, एक एक कर वो ख्वाब चिकना चूर हुए। नया पाकिस्तान क्या बनना था, आपने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद कर दिया। ये कौम गवाह है, 5.8% ग्रोथ रेट था जब मुस्लिम लीग नून ने इक्तदार छोड़ा, और कभी कहा गया ये 4% है, 2% है, 5% है। जब जब ग्रोथ रेट इमरान नियाजी ने कौम को बताया, तब तब वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने कहा कि नहीं, ये झूठ है, ये ग्रोथ रेट माइनस है, 0.0 है। आज इस शख्स ने अपने नए पाकिस्तान के झूठ के नारे के तले पाकिस्तानियों के ख्वाबों को दफन कर दिया है। आज कौम पूछती है, कहां है सस्ती रोटी, कहां है सस्ती चीनी, कहां है एक पाकिस्तान, मुझे बताओ। अपने दिल पे हाथ रखकर, आज आप अंदरून शहर से भी हैं, आप लाहौर के कोने कोने से हैं, कितने लोग आज अपने बच्चों के पास जब शाम को घर लौटते हैं तो बच्चे कहते हैं अबू खाना कहां है, खाना तो नहीं होता, झूठी तसली दे के भी थक गए हैं लोग, अब आंसू टप टप गिरते हैं और बच्चियों को तसली देते हैं, बच्चों को तसली देते कि बच्चों अभी खाना आ जाएगा। इमरान नियाजी जेलों का हिसाब नहीं मांगती मुस्लिम लीग नून, लेकिन आज तुम्हें पाकिस्तानी कौम के जो ख्वाब चिकना चूर हुए हैं, पाकिस्तानी कौम के बच्चे जो भूख में मुब्तला हैं, आज पाकिस्तानी कौम जो परेशान है, वालिदैन अपने बच्चों के हालात को देखकर डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं, बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, लोग ज़हनी तौर पर परेशान हैं, तुम्हें इनके दुखों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। और ये कौम तुमसे तुम्हारा हिसाब लेगी, और फिर तुम्हारे वफाकी वुज़रा जो तमाशबीनी करते हैं, कोई कहता है कि महंगाई तो पूरी दुनिया में हम क्या करें, कोई कहता है कि अपना टमाटर जो है अगर महंगा है तो टमाटर को कम कर दो, कोई कहता है रोटी एक की जगह आधी कर दो, और तुम खुद कहते हो कि महंगाई नहीं है।
उतरो बनी गारा से, अपनी अना के पहाड़ को तोड़कर नीचे आकर देखो, अवाम तुम्हारा मुहासबा करने के लिए तैयार है। इस कौम के दुखों को महसूस करके देखो इमरान नियाजी, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस मुल्क के इस 22 करोड़ लोगों के दुख आज किस इंतहा को पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की जदोजहद होगी, शहबाज शरीफ साहब की जदोजहद होगी। अभी अहमद बिलाल साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने तारीख मनाई कि जमात कायम रही, तमाम तर तशद्दुद के बावजूद, तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, जिस गिरदाब में ये फंस चुका है, ये मेरा आपका कमाल नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपनी बंदे से 70 माओ जितना प्यार करता हूं। कितना? जब तुमने इस अल्लाह की मखलूक को भूख में मुब्तला किया, जब तुमने अल्लाह की मखलूक से झूठ बोले, जब तुमने इस अल्लाह की मखलूक से जो सस्ती कैंसर की मुफ्त दवाइयां इस सूबे में शहबाज शरीफ ने मुहैया की थी तुमने छीन ली, जब तुमने इस कौम से मजदूर का रोजगार छीन लिया, तो फिर अल्लाह का निजाम चलता है। आज ये किसी सियासी पकड़ में नहीं है, ये खुदा की पकड़ में है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसे हिसाब लेगा। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुस्लिम नून के कारकुनों, आज मैं पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से मुखातिब हूं। मैं तमाम सियासी जमातों से मुखातिब हूं कि आज ये पाकिस्तान खुदा न खासा रेत की तरह हमारे हाथों में से सरक रहा है। मैंने पंजाब असेंबली का हल्फ उठाने से पहले, आज भी ये मीडिया वाले बैठे हैं, वो मेरी रिकॉर्डिंग निकाले, मैंने कहा कि अगर हम काली पट्टियां बांधकर आज धांधली के खिलाफ एहतियात करके हल्फ ले रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ले रहे हैं। आओ इमरान नियाजी, तुमने वोट चोरी किया, दिखाओ कौम को अपने वादे सच्चे करके, अगर इसने परफॉर्म किया तो ठीक, वरना लोग इसका मुहासबा करके। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन आज वही हुआ कि इसने कंटेनर पर चढ़कर जो जो वादे किए थे वो सब झूठ का पलंदा था। और एक और बात बता दूं, अल्लाह के नबी ने कहा है कि अल्लाह फरमाता है कि जब तक एक रूह जो है उसका जो अंदर है, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह जानता है, जब तक उसके दिलों के हाल अल्लाह ताला बाहर नहीं निकाल देगा, उसको एक्सपोज नहीं कर देगा, तब तक खुदा उसको मौत नहीं देगा। तो आज ये खुदा का कानून है। तो मैं उन स्टेक होल्डर से, तमाम सियासी जमातों से कहना चाहता हूं कि अगर ये पहाड़ जैसे मसाइल जिसको हमने हल किया था, बिजली के लोड शेडिंग जो 16-16 घंटे होती थी, एक ख्वाब था कि ये लोड शेडिंग कभी खत्म होगी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क्यादत ने, इस जमात ने दिन रात एक किया। चाइना ने, जिनको चाइना के सीपेक के मंसूबों को भी इस हुकूमत ने करप्शन ज़दा कहा, इनको शर्म नहीं आती कि चाइना को नाराज किया, उसके साथ मिलकर बिजली के मंसूबे लगाए और इस मुल्क में खुदा के फजल व करम से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की और अंधेरों को उजालों में बदला। क्या कौम को नजर नहीं आता? क्या कौम बताए दिल पे हाथ रख के, क्या उस वक्त महंगाई थी या आज महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है? तो फिर मैं अपनी बात पर वापस लौटता हूं कि हमें एक हल नजर आता है, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, इस तमाम मसाइल का हल आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात में है। और जब तक इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती नहीं होगी, जब तक पार्लियामेंट इस कौम की तकदीर के फैसले नहीं करेगा,
तब तक ये जमहूरियत की गाड़ी आगे नहीं जा सकती। ये शख्स पुलवामा का वाकया हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, डीजी आए, सहाय आए, तमाम जमातों के पार्लियामानी लीडर कौमी असेंबली में आए कि पाकिस्तान की खातिर हम सब मिलकर बैठकर अपना लाहेमल बनाएंगे, इस कौम को मुहद्दत करेंगे। ये शख्स इसका नाम इमरान नियाजी पतली गली से निकल गया, नहीं आया। जब जब कौम पे मुश्किल वक्त आया सब सर जोड़कर बैठे। ये कौन सा वज़ीर आज़म है? इसलिए कहता हूं कि ये वज़ीर आज़म नहीं, ये जाली वज़ीर आज़म है, ये वोट चोर है, ये झूठा है। इसने बेटा नहीं, इसने ये खिलाड़ी नहीं है, इसने खेल नहीं खेला, इसने कौम के साथ खिलवाड़ किया है, इसने कौम को धोखा दिया है। और इमरान नियाजी जो तुमने इस कौम के साथ घिनौना खेल खेला है झूठे वादों का, इंशाल्लाह ये कौम वोट की ताकत से तुम्हें सजा देगी, तुम्हें कटहरे में लेके आएगी। और अभी तो केबी में बल्दियाती इलेक्शनों में ट्रेलर चला है, जब आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात होंगे तो फिर तुम बनीगाला में नहीं रह सकोगे, ये वोट की ताकत से तुम्हें उठाकर समंदर में फेंक देगी इंशाल्लाह। तो अभी नारा नहीं लगेगा, एक और बात, अभी नारा नहीं लगेगा, एक और बात सुनो मेरी पाकिस्तानियों। मैं आज पाकिस्तानी कौम को बता देना चाहता हूं कि जिस तरह ये कहता है ना कि माफिया ने चीनी खा ली, माफिया गंदम खा गई, माफिया जो है वो एलएनजी खा गई, अरबों रुपए तुम्हारे प्यारे लूटे, आज कौम को झूठ सच बताना चाहता हूं कि माफिया माफिया खेलना बंद करो इमरान नियाजी। माफिया तुम्हारे छतरी तरह पलते हैं और तुम उनकी एटीएम मशीन पे तुम पलते हो, तुम सबसे बड़े माफिया पाकिस्तान के। और देखो मेरी बात सुनो, ये संजीदा गुफ्तगू है, नारे नहीं लगेंगे। आज खेतों खलियानों में खाद 9,500 रुपया की बोरी हो गई, मिलती नहीं है। गंदम हो चावल हो, किसान साउथ में, इधर सेंटर में किसान परेशान है कि 9,500 की होशरबा कीमत के बावजूद खाद की बोरी नहीं मिल रही। लोगों ने इसके एटीएम में वो ब्लैक कर गोदामों में रख ली है और तुम मुझे पाकिस्तान, नए पाकिस्तान का भाषण देते हो। फिर ये देखो कि गरीब का ठेला, इसने आते ये काम किया, गरीब का ठेला गिरा दो, नजायज तजावजात हैं। और बनी गाला का महल, लाखों रुपए में इसने अरबों की जमीन को रेगुलराइज कराया, फिर कहता है ये रियासत मदीना है। गरीब का छत गिरा दो, उसकी अपना पूरी जिंदगी कमाई वो छत गिरा दो और बनी गाला का महल कायम रहे, और फिर तुम रियासत मदीना का नारा लगाते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती इमरान नियाजी? इसलिए अब अपने दिल पे हाथ रख के मुझे इस बात का जवाब दो कि जो सच तल्ख हकायक मैंने आपके सामने रखे हैं, अब इमरान नियाजी का मुहासबा करोगे, इसके झूठों का हिसाब लोगे? और गवाह रहना नौजवानों, एक बात बताना चाहता हूं, सुनो मेरी बात। आज पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कालाबाग डैम क्यों ना बना। हां यह जरूर कहता हूं कि हमने 6,000 मेगावाट जो सस्ती बिजली बननी थी, 10 लाख एकड़ अराजी जो कालाबाग डैम से इस मुल्क के किसानों को पानी मिलना था, जो हमने जखीरा